दोस्तों आज हम दो रेलवे के स्टॉक को साथ में डिस्कस करने हैं, जिसमें हम आज IRFC और RVNL को डिस्कस करेंगे। और इसके पीछे वजह यह है कि रेलवे को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रेलवे ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से जिस तरह से रेलवेज के लिए एक के बाद एक अनाउंसमेंट की जा रही है, सरकार आने वाले समय में बहुत सारा पैसा खर्च करने वाली है और इसका फ़ायदा इन दोनों कंपनियों को होगा। IRFC का आपको पता ही है, रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और दूसरी तरफ RVNL जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करती है। और अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के अनाउंस के पहले ये दोनों ही स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हो चुके थे, एक दो महीनों में स्टॉक डबल से ज़्यादा हुए थे। लेकिन अब आप देखें तो इनमें करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है, आने वाले समय फिर से तेज़ी का माहौल बन सकता है। तो इस लेटेस्ट अपडेट को डिस्कस करेंगे, साथ में हम संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल यानी मदरसन सुमी को भी डिस्कस करने वाले। यहाँ पर एक बड़ा फैसला किया गया कंपनी की तरफ से, और क्या आने वाले समय में मदरसन सुमी में एक तेज़ी का दौर आ सकता है। वैसे मदरसन सुमी की बात करें, ये लगातार अच्छा बोनस देती है कंपनी और कस्टमर को हर समय खुश करती है, जो भी इन्वेस्टर है। अब दूसरी तरफ देखें तो एक और कंपनी को हम डिस्कस करने वाले जो यहां पे बहुत ही जबरदस्त बोनस देने जा रही है। तो इन सारी बातों को समझने वाले इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम IRFC की बात करें तो अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है, स्टॉक इस समय 28.15 पर है, जहां पे 0.35% की मामूली सी गिरावट है। अब गिरावट के पीछे वजह बाजार में नरमी छाई हुई है, और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से देखें तो FI बाजार में से फिर से पैसे निकालना शुरू हुए, और इस वजह से भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रेलवेज ने कमाल कर दिया है। आप देख सकते हो रेलवे की जो इनकम है वो 2.4 लाख करोड़ तक पहुंच गई इस फाइनेंशियल ईयर, और आप ये देख सकते हो एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, यानी नया रिकॉर्ड बन चुका है। और इसके पीछे जो है कि फ्रेट अर्निंग हुई है वो काफ़ी अच्छी रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब जो 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ का इस बार जो इन्होंने इनकम कमाई है, जिसमें 49 करोड़ रुपीज़ की बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पे रेलवे का जो फ्रेट रिवेन्यू वो लगभग डबल हो चुका है। पैसेंजर रिवेन्यू की बात करें 1.62 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 15% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन बेसिस पे। द ऑपरेटर ऑफ इंडिया नेशनल रेलवे सिस्टम अर्न 63,300 करोड़, और ये जो पैसेंजर रिवेन्यू है फाइनेंशियल 2023 की, इसमें 61% का जबरदस्त जंप देखने को मिला पिछले साल के मुकाबले। और जो अर्निंग है वो 39,214 करोड़ के आसपास रही है। इंडियन रेलवे का ग्रॉस रिवेन्यू देखें तो करीब 2,39,803 करोड़ के आसपास रहा है फाइनेंशियल 2021-22 के दौरान, और इस बार जो पिछली बार देखें तो ये 1,91,278 करोड़ के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि रिवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, रेलवे के एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि हुई है। आप देख सकते हो करीब 2,06,391 करोड़ के आसपास पिछले साल था, और इस बार 2,37,375 करोड़ के आसपास रहा है। तो खर्च भी बढ़ा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग रेशियो देखे रेलवे का तो इस बार 98.14% के आसपास रहा है। इस बार रेलवे ने करीब 1 लाख करोड़ का निवेश किया है रेलवे के नेटवर्क के कमीशनिंग के लिए, और इसके अलावा न्यू लाइंस डेवलप करने के लिए, मल्टी ट्रैकिंग के लिए, और बहुत सारे ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने के लिए, जहाँ पे देख सकते हो कि 5,243 किलोमीटर का जो है रेलवे ट्रैक है जो मल्टी ट्रैकिंग कर दिया है। इसके अलावा देखो तो 6,565 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, और इसमें करीब 6,657 करोड़ का खर्च हुआ है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि रेलवे के लिए लगातार बहुत सारा खर्च भी किया जा रहा है, और रेलवे अब कमा के भी दे रही है। तो बिल्कुल ऐसे में ये जो रेलवे के जो शेयर है ये आने वाले समय फिर से मल्टीबैगर बनने को तैयार है। अब यहाँ पे हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है IRFC का। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 86.36% के आसपास है, इसको 75% पे लाना होगा, क्योंकि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 75% की अपर लिमिट है। अभी समय है, लेकिन सरकार हो सकता है कि OFS लाए या फिर दूसरे तरीके से लाए, और लोग इसीलिए डर रहे हैं कि OFS आया तो इसकी प्राइस नीचे आएगी। फिलहाल कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सबसे अच्छी बात है। FI की बात करें तो आप देख सकते हो दिसंबर में उनकी 1.01% की होल्डिंग थी, जो इस मार्च क्वार्टर में 1.15% हुई है। तो यहाँ पे FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, एक बहुत बड़ा पॉइंट, यानी FI की राडार में स्टॉक आ चुका है। यानी पिछले क्वार्टर में देखिए जून के मुकाबले FI की होल्डिंग थोड़ी कम हुई, लेकिन इस बार FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। DI की बात करें उनकी होल्डिंग कुछ कम हुई है, 2.97% थी दिसंबर में, जो इस बार 2.62% हुई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, 1.76% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 1.37% के आसपास है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, 9.66% थी दिसंबर में, जो इस बार 9.87% हो गई है। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी लगातार प्रॉफिट रिवेन्यू में बहुत
बहुत ज़बरदस्त वृद्धि बता रही है हर साल। 2019 में देख सकते हैं इनका जो रेवेन्यू था वो 11.13 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और कंपनी को 2.25 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो लगातार बढ़ा। और देख सकते हो ये ग्राफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2022 आते थे जो रिवेन्यू है वो 20,030 करोड़ तक पहुँच गया है, अब यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट है वो 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। तो ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो रिवेन्यू है वो लगभग दुगुना हुआ है पिछले 4 साल में और प्रॉफिट 3 गुना हो चुका है। तो आप बिजनेस समझ सकते हो कितना शानदार है और सिर्फ 37 एम्प्लॉई इस कंपनी को रन कर रहे हैं। होटल अशोका से इसका बिजनेस चल रहा है, ऐसे में इसका खर्च कुछ है नहीं और इसके जो भी कर्ज की गारंटी भी सरकार लेती है, इसलिए इसमें निवेश आपको करना चाहिए। ये अपनी बुक वैल्यू से आपको इस समय नीचे मिल रहा है और बिल्कुल आईपीओ प्राइस के आसपास है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, यह कमाल कर सकता है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 75 पर इस स्टॉक इस समय है, कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिल रहा है, पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास ही है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से इसने 59% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 118% है। 6 मंथ के हिसाब से इसका रिटर्न देखे तो 98% है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 4% की गिरावट है क्योंकि स्टॉक 84 से हाई बना के नीचे आया बजट के दौरान। अब 1 मंथ के हिसाब से वापस 60% दौड़ चुका है और 1 वीक के हिसाब से 2% की तेजी है, कुल मिला के आज फ्लैट है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, दुगुना से ज़्यादा रिटर्न दिया स्टॉक ने और अगर आप इसके रिजल्ट को देखेंगे तो बहुत ही बेहतर है। आप देख सकते हो 2019 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 10.43 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और इनका प्रॉफिट देखें तो 0.69 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के आप देख सकते हो कि रिवेन्यू 20.29 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया, यानी दुगुना हुआ है इनका रिवेन्यू पिछले 4 साल में। प्रॉफिट की बात करें तो 1.18 थाउजेंड करोड़ का रहा इस बार 2022 में, जो 0.69 थाउजेंड करोड़ के आसपास 2019 में, तो लगभग दुगुना हुआ है प्रॉफिट भी। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतर रिजल्ट है, हर साल रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसकी रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, मास्टर रेटिंग फिलहाल एवरेज कही जाएगी क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन अगर आप इसका ईपीएस स्ट्रेंथ देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी बायर डिमांड देखें तो वो भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेटिंग है, जो इशारा करेगी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके ये मालामाल आपको कर सकता है। अब हम चलते हैं संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की तरफ, यानी मदरसन सुमी 69.30 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.87% की समय तेजी देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हो पिछले 1 महीने में स्टॉक में 5% की हमें शानदार तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखिए संवर्धन मदरसन की तरफ से देखें तो 30% का स्टेक और वो लेने जा रहे, जो देख सकते हो यंगसिन मदरसन ऑटोटेक लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी यानी YMAT कंपनी में से यंगसिन कंपनी जो कोरिया की कंपनी का 30% स्टेक अब मदरसन संवर्धन लेने जा रहे और ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा उसके बाद में मदरसन के पास इसकी 80% की स्टेक आ जाएगी और ऐसे में जो YMAT कंपनी है वो इसकी सब्सिडियरी बन जाएगी, यानी सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो संवर्धन मदरसन के पास होगा और एक तरह से वो सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी और ये जल्दी ही इसका एक्विजिशन पूरा होने वाला है। और आप देख सकते हो कि मदरसन का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है और जिस तरह से लगातार अच्छे रिजल्ट भी आ रहे, कंपनी लगातार अच्छा बोनस दे रही है, संवर्धन मदरसन में इंटरनेशनल में आप देखें तो एक मौका बनता है खरीदारी का। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है मार्च में, देख सकते हो 68.16% से दिसंबर में इस समय 64.77% हुई है और गिरवी शेयर थोड़े से मामूली बढ़े, आप देख सकते हो 1.12% की होल्डिंग थी दिसंबर में, इस समय 1.18% हुई है, मामूली सी संख्या है। कंपनी को अपने कारोबार के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, उन्होंने अपने गिरवी शेयर रखे जरूर है, लेकिन जो सबसे शानदार आंकड़ा है वो है एफआई का, एफआई ने जबरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है, 8.24% थी दिसंबर में जो 10.87% हुई मार्च में, ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है क्योंकि सितंबर के मुकाबले दिसंबर में होल्डिंग कम हुई थी, लेकिन इस बार मार्च में जबरदस्त तरीके से एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, एफआई की पहली पसंद बन गया है मदरसन सुमी। अब यहाँ पे अगर हम डीआई की बात करें, उन्होंने भी बहुत शानदार होल्डिंग बढ़ा दी है, 11.95% हुई दिसंबर में थी, इस बार 14.74% हुई है, तो जबरदस्त होल्डिंग बढ़ी है बड़े फंड हाउस की भी। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी शानदार खरीदारी कर ली है, 8.90% थी दिसंबर में, जो इस समय 11.44% हो गई है। सिर्फ होल्डिंग घटी तो वो है जनरल पब्लिक की, 11.65% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 9.62% हो गई है। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि इस स्टॉक को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है बल्कि इसमें खरीदारी आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पे FIDI और म्यूचुअल फंड की ये पहली पसंद है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ से दूर है, बाकी सारे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। रिजल्ट बहुत ही बेहतर है इसके, देखिए तो रिवेन्यू दिसंबर 2021 में 16,118 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 20,226 करोड़ तक पहुँच गया, शानदार वृद्धि हुई है। और प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 245 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 454 करोड़ तक पहुंच गया, जबरदस्त वृद्धि हुई है, एक तरह से कहते तो दुगुना हुआ है प्रॉफिट, तो बिल्कुल दाव लगाना चाहिए।
अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रहा है। बात करें हम नेटफ्लिक्स लिमिटेड की, नेटफ्लिक्स की बात करें तो यह इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। 219 में इसकी प्राइस इस समय 0.97% की गिरावट है, लगभग 1% की गिरावट है, लेकिन पिछले वन ईयर में 185% का बंपर रिटर्न दिया, 77 के आसपास स्टॉक था। अगर हम बात करें सिक्स मंथ की तो 157% का शानदार रिटर्न दिया है, तो लगातार स्टॉक दौड़ा है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने में जो वॉइस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंपनी काम करती है, बहुत ही मजबूत इसका बिजनेस है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी यहाँ पे बोनस देने जा रही है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देगी, जिसकी एक्स बोनस डेट है 24/4/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 24/4/2023। तो इसके पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको बोनस मिल सकता है। तो बोनस के लिए दाव लगाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।